वाओ, सो ब्यूटीफुल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन बर्लिन जर्मनी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता, आपकी दोस्त, और आज मैं आपको जर्मनी के इस नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में घुमाने लाई हूँ। तो चलिए हर एंगल से आपको इस म्यूजियम का नज़ारा दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखिए, वाओ, ये अजीब टाइप का स्टोन है। वाओ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन्स, इतना बड़ा साइज का स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन। इस म्यूजियम का कोई भी कोना छूट ना जाए, इसलिए मैं चारों तरफ से अपने कैमरे को घुमाते हुए हर तरफ का नज़ारा आपको दिखाती हुई चलती हूँ। दोस्तों ये लेपर्ड, मे बी मंकी का स्केलेटन है। ये चेमिलॉन का, ये देखिए यूनिक टाइप का स्टोन है। जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड या एनिमल या स्टोन ये सब से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस म्यूजियम में आप विजिट कीजिए, हर तरह की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए कितना बड़ा साइज का ये फॉसिल मिला है डायनासोर का। ये बोन्स वगैरह लग रहे हैं डायनासोर के। ये पांडा कितना क्यूट सा दिख रहा है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, मैं एक से एक इस म्यूजियम का नजारा आपको दिखाऊंगी। इस म्यूजियम के कुछ दृश्य तो इतने अद्भुत हैं कि आप देखकर ही आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों तो मेरे इस वीडियो के साथ जरूर से बने रहिए। दोस्तों ये देखिए कितना सारा एकदम यूनिक टाइप का स्टोन्स है और बहुत बड़े साइज में दिख रहा है। अगर आप स्टोन कलेक्टर हैं तो ये मे बी शायद फॉसिल लग रहा है डायनासोर का। हाँ तो दोस्तों मैं बोल रही थी कि अगर आप स्टोन कलेक्टर हैं तो इस म्यूजियम में जरूर से विजिट कीजिए और अपनी जानकारी में इजाफा कीजिए। दोस्तों वहाँ पर कितना बड़ा साइज का ये डायनासोर का स्केलेटन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को देखकर एंजॉय भी कर रहे होंगे और जानकारियां भी हासिल कर रहे होंगे। ये पता नहीं स्टोन है या फॉसिल है, मे भी कुछ आइडिया नहीं है मुझे। आप विजिट करें इस म्यूजियम में और एक से बढ़कर एक जानकारी यहां से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बाप रे बाप, कितना बड़ा बड़ा साइज का ये स्टोन है। इतना सारा कलेक्शन मैंने तो जिंदगी में
पहली बार देख रही हूँ। मुझे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन्स कलेक्ट करना बहुत ही पसंद है। भविष्य में और भी आगे जब मैं वीडियो लाऊंगी तो मैंने जो भी कलेक्शन हमारे हैं स्टोन से रिलेटेड है उसका भी वह मैं वीडियो आप लोगों के लिए जरूर से लाऊंगी दोस्तों। ये तो क्रिस्टल लग रहा है, बाप रे कितना बड़ा साइज का है। शानदार नजारे को देखते हुए मैं म्यूजियम में आगे की ओर बढ़ रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत और अद्भुत नजारा। यहाँ में भी मछलियों के फॉसिल्स इकट्ठे किए गए हैं, ये तो स्टोन्स लग रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा साइज का मैंने तो कभी नहीं देखा था, ये जेड समथिंग स्टोन लग रहा है, क्रिस्टल वगैरह है। बाबा अजीब सा है। चारों तरफ स्टोन ही स्टोन है, वो भी एकदम से डिफरेंट और यूनिक। ऐसा रंग बिरंगा स्टोन कलेक्शन वो भी एक जगह मैंने तो नहीं देखा दोस्तों। आपने कहीं देखा है तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मेरी बनाई हुई ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताएं। देखिए कितना बड़ा ये डायनासोर का फॉसिल। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रही थी कि इस वीडियो को मैं तो एंजॉय कर रही हूँ इस म्यूजियम में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग आगे और बताएं कि आप किस टॉपिक पे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। और इन्फॉर्मेटिव हो तो और भी अच्छा। इस म्यूजियम का हर कोना कोना मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ दोस्तों। और ये जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं बॉटल्स में कुछ रखे हुए, इसे स्पेसिमेन समथिंग कुछ कहते हैं, डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें छोटे छोटे एनिमल्स के फॉसिल्स वगैरह रखे हुए होंगे। बहुत सारा है इस बॉटल से रिलेटेड जानकारियां तो आपको इसी म्यूजियम में आकर ही लग सकती है। मैं तो ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर स्टोन है, वाव कितना ज्यादा बड़ा साइज का है दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया
कि मैं इस वक्त बर्लिन में हूँ और वहाँ के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में मौजूद हूँ। बर्लिन जर्मनी में है और वहाँ के म्यूजियम का नज़ारा मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बनाई हुई ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।